नमस्कार, मैं प्रिया। आज 11 मार्च सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, जिसमें आप विज्ञान, इतिहास या भूगोल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCU समस्तीपुर बिहार ने निकाली रिक्तियां। बिहार के इस शहरवासियों को मिलेगा सरकारी फ्लैट। बिहारी युवा के ड्रोन ने देश दुनिया में बनाई पहचान। होली पर बिहार आने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों में लीजिए टिकट। मणिपुर विधानसभा चुनाव में जदयू का बजा डंका। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCU समस्तीपुर बिहार ने निकाली रिक्तियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCAU समस्तीपुर बिहार ने निकाली रिक्तियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCAU समस्तीपुर बिहार ने 26 पद पर आवेदन की मांग की है, जिसके तहत कनिष्ठ आशु लिपिक के 20 पद, सहायक रजिस्ट्रार के 1 पद, सहायक नियंत्रक के 5 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 और शॉर्ट हैंड स्पीड अंग्रेजी या हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट के साथ ही, और साथ ही साथ अंग्रेजी हिंदी में 30 से लेकर के 25 वर्ड पर मिनट के साथ होना अनिवार्य है। सहायक रजिस्ट्रार के लिए 55% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री और 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना जरूरी है। वहीं सहायक नियंत्रक के लिए 55% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री और 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 मार्च 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.rpcau.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव में जदयू का बजा डंका। बीते दिन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो गई, जिसमें 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी तो वहीं 1 जगह पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। वहीं बात अगर मणिपुर की करें तो मणिपुर विधानसभा चुनाव में जदयू का डंका बजा है, जिसके तहत ही जदयू को 6 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई और अभिनंदन दिया है, जिसके तहत उन्होंने अपना पोस्ट जारी करते हुए कहा कि शानदार जीत के लिए मणिपुर की जनता को बधाई और उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका हृदय से आभार कि उन्होंने जदयू को सेवा का अवसर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में आगे पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली सफलता के लिए अरविंद केजरीवाल को शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री की। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक और आलोचक थे। उन्होंने पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इससे पहले उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारी थी। वो छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वो थोड़े से कवियों में से रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी थी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। आपको बता दें, शास्त्री जी का जन्म बिहार के गया जिले के मैगरा गांव में हुआ था। पटना की सड़कों पर अब दौड़ेगी 125 नई CNG बसें। बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पटना की सड़कों पर 125 नई CNG बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। इनमें 75 BSRTC की बसें शामिल होंगी, वहीं 50 प्राइवेट सिटी राइड बसों का परिचालन होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार प्रस्तावित 125 नई बसों के परिचालन में 25 AC और बाकी 100 बसें नॉन AC होंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्राइवेट CNG बसें शहर में पहुंचने लगी है और इसी महीने के अंत में इनका परिचालन शुरू हो जाएगा। शहर में दौड़ रहे प्राइवेट सिटी राइड बसों को 50-50 के चरणों में बाहर किया जाएगा। इस समय शहर में 365 प्राइवेट सिटी राइड बसों का परिचालन हो रहा है। इनको 8 चरणों में शहर से बाहर किया जाएगा। पहले चरण के लिए 50 सिटी बसों का चयन हो चुका है, जिसके लिए सरकार भी अनुदान देने वाली है। RRB NTPC भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट इस महीने हो सकता है जारी। RRB NTPC भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बिहार समेत कई राज्यों में कितना बवाल हुआ था वो आपको भी याद होगा, जिसके बाद ही रेलवे ने संशोधित रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। इसके बाद ही अब RRB NTPC भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी करने की संभावित तारीख सामने आई है, जिसके तहत ही रेलवे ने कहा है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के सभी लेवल का रिजल्ट अप्रैल 2022 में घोषित किया जाएगा, जिसके तहत ही NPC और ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के परीक्षार्थियों ने जो आपत्तियां दर्ज कराई थी उन्हें देखते हुए रेलवे ने 26 जनवरी 2022 को मामले को देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपने सुझाव मंत्रालय को दिए हैं, जिसके अनुसार कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं।
घूसखोर प्रधान लिपिक हुआ गिरफ्तार। बिहार में बीते दिन एक और घुसखोर पर नकेल कसने का काम किया गया, जिसके तहत ही पश्चिम चंपारण के बगहा में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बगहा के प्रखंड के आईसीडीएस कार्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत शंभुनाथ पांडे को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार गुरुवार को ही निगरानी डीएसपी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने गिरफ्तार लिपिक को अपने साथ मुजफ्फरपुर ले जाने का काम किया है। प्रधान लिपिक शंभुनाथ पांडे के अनुसार एक आंगनबाड़ी सेविका की सेवा स्थायी करने के एवज में डुमरिया गांव निवासी रजनीश कुमार गिरी से 25,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत ही रजनीश कुमार ने निगरानी से की, जिसके बाद ही आंगनबाड़ी सेविका के देवर रजनीश कुमार की सूचना पर निगरानी की टीम हरकत में आई है। बिहार एएसआई स्टेनो भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। बीपीएससी बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही अब जिन भी कैंडिडेट ने बिहार पुलिस स्टेनो सहायक सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा दी थी, वो अब अपना अंतिम परिणाम चयन के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार पुलिस में एएसआई स्टेनो के लिए 4 मार्च 2020 को जारी वैकेंसी में आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया 133 पदों के लिए जारी की गई थी। स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जारी वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 30 मार्च 2020 तक का समय दिया गया था। ठंड का प्रभाव जहां इस बार देर से पड़ा था, वहीं गर्मी का मिजाज भी इससे ठीक उलट है। आलम कुछ यूं है कि गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार की गर्मी पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। फागुन समाप्त होने में 1 हफ्ते की देरी है और ये अनुमान किया जा रहा है कि तब तक बिहार के कई जिलों में अधिकतम पारा 36 से 37 डिग्री के पार हो जाएगा। पिछले 2 साल के दौरान अप्रैल में पूरा सूबे में देखा गया था कि पारा 33 से 35 डिग्री के बीच रहा था। इस बार मार्च में ही 36 डिग्री तक पारा पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में अगले हफ्ते से ही सूबे में गर्मी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम की ताजा स्थिति और वातावरणीय परिस्थितियों के आधार पर मौसमविदों का ये अनुमान है कि 3 साल बाद इस बार फिर से बिहार और देश के अन्य हिस्सों में प्रचंड गर्मी की स्थिति दिख सकती है। बिहार के शहरवासियों को मिलेगा सरकारी फ्लैट। बिहार में जल्द ही शहरी आवासहीनों को आशियाना देने के लिए बिहार सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बिहार के एक शहर ने अब आवासहीन लोगों को सरकारी फ्लैट देने की बात कही है। ये शहर है भागलपुर का, जहां पर ही भागलपुर नगर निगम ने इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए कमर कस ली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कम इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए LIG फ्लैट के तर्ज पर बनाने के लिए प्रशासन को भागलपुर में लगभग आधा एकड़ सरकारी जमीन की तलाश है, जो कि फिलहाल भागलपुर में नहीं है, जिसके कारण ही अब नाथनगर और जगदीशपुर में जमीन खोजने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि इस बिल्डिंग में मकान खरीदने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इन शर्तों को तय किया गया है कि करीब 5 साल से ज्यादा वो रह रहे हों और शहर में उनका कोई मकान ना हो और उनकी आमदनी 3 लाख से ज्यादा 6 लाख तक होनी चाहिए। बिहारी युवा के ड्रोन ने देश दुनिया में बनाई पहचान। एक सोच और इंसान आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, इसका प्रमाण अब तक बिहार के कई युवा दे चुके हैं, जिन्होंने बिहार का मान अलग अलग क्षेत्र में देश के साथ साथ विदेश में भी बढ़ाने का काम किया है। इसमें ही अब बिहार का एक और सितारा जुड़ गया है, जिसने अपनी एक सोच के कारण देश भर में अपनी पहचान बना ली है और अब विदेशों में अपना डंका बजाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के ड्रोन बॉय की, जिनके ड्रोन के आइडिया ने उन्हें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वेंचर पार्क बिजनेस आइडिया कॉम्पिटिशन में स्टार्टअप देवेश झा को पहला स्थान दिलाया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 12 मार्च को ज्ञान भवन में आयोजित बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यकीनन देवेश की एक नई सोच ने उन्हें देश के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। आलम कुछ यूं है कि इनके बनाए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए हॉलैंड और सूरीनाम भी इच्छुक है। बिहारी छोड़े की बात सुनकर द कपिल शर्मा शो पर हंसी नहीं रोक पाई कीर्ति सैनन। द कपिल शर्मा शो में कई बार कई बिहारी फैन को देखा गया है, जिनकी बातें सुनकर यकीनन कपिल शर्मा के साथ साथ शो में आए गेस्ट भी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। ऐसा ही मंजर एक बार फिर से देखने को शो के अंदर मिला, जब एक बिहारी जो अपनी कम लंबाई से परेशान था, वो अपनी परेशानी बताने उठा। पूर्णिया के इस लड़के की ये परेशानी थी कि कम हाइट के कारण उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही थी। इसको लेकर अपनी परेशानी बयान करते हुए लड़के की बातों ने लोगों को खूब हंसाया। पूर्णिया के इस लड़के ने अपना नाम पवन डिटेक्टर बताया था। डिटेक्टर सुनकर सभी हंसने लगे। उसने कहा कि मैंने फेमस होने के लिए अपने नाम में डिटेक्टर लगाया है। लड़के का नाम और इसकी परेशानी सुनते ही कीर्ति सैनन भी खूब हंसती हुई दिखाई दी। होली पर बिहार आने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों में लीजिए टिकट।
होली का त्यौहार आने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में घर आने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है। बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही बिहार में स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जिसमें आनंद विहार मुजफ्फरपुर, आनंद विहार जयनगर, आनंद विहार जोगबनी, आनंद विहार सीतामढ़ी, नई दिल्ली दरभंगा, आनंद विहार सहरसा, कोलकाता रक्सौल, एनारकुलम बरौनी, बांद्रा टर्मिनल बरौनी, अमृतसर पटना, दिल्ली बरौनी, अमृतसर बनमनखी ट्रेनें शामिल है। जहरीली शराब पीने के कारण जान गंवाने के मामले में जल्द होगी कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी कानून साल 2016 से ही कहने को लागू है, लेकिन फिर भी बिहार के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है, जिसके कारण ही बिहार में जहरीली शराब से जान गंवाने वालों की सूची भी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सिवान और बेतिया का है, जहां पर जहरीली शराब से 5 लोगों की जान जाने की जानकारी मिली, जिसको लेकर ही एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जांच के बाद ही कुछ कह पाना मुमकिन होगा, जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवादा के इंद्रसाल गुफा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिले के पार्वती पहाड़ में स्थित इंद्रसाल गुफा भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम स्थल होने के कारण यह बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। बौद्ध धर्म ग्रंथों और प्राचीन काल साहित्य में उक्त स्थल के संदर्भ में वर्णित है कि बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिल वस्तु लौटने के क्रम में गौतम बुद्ध पार्वती के वैदिक पर्वत पर रुके थे और इसी गुफा में देवराज इंद्र ने उनसे 42 सवाल किए थे, जो बौद्ध धर्म के अनुश्रायों में प्रासंगिक है। गुफा की पश्चिम दीवार पर उक्त वार्तालाप की 42 लकीरें आज भी गवाह के रूप में विद्यमान है। चीनी यात्री ह्वेनसोंग और फिहियान भी भारत यात्रा के दौरान यहाँ आए थे, इसका वर्णन उनकी पुस्तकों में है। इंद्रशाल गुफा के रूप में खोज स्पष्ट होने के बाद ही यहाँ विदेशी पर्यटक, धर्मगुरुओं, लामाओं और बुद्ध के अनुयायियों का सालों भर आना जाना लगा रहता है। तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका समेत विश्व के मानक विश्वविद्यालय के छात्र शोध के लिए यहाँ आते रहते हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों के आश्रितों को मिलेगी अनुदान राशि। कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों के आश्रितों को अब सरकार अनुदान की राशि का भुगतान तेजी से करने वाली है। राहत की बात यह है कि पोर्टल पर नाम नहीं होने के बाद भी सरकार आवेदन स्वीकृत करेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक काम करना जरूर होगा। बिहार सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इसके लिए सभी आवेदकों से साक्ष्य देने की मांग की गई है। कोरोना काल में कई परिवारों के सदस्य को उनसे छीन लिया गया, क्योंकि कोरोना काल में जान गंवाने वालों में ज्यादातर मृतकों पर अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सरकार ने उनके आश्रितों को जल्द से जल्द आपदा के तहत अनुदान राशि भुगतान करना शुरू कर दिया है। निगम कर्मियों के तबादलों की तकनीक अड़चन जल्द होगी दूर। बिहार के सभी निगम कर्मियों को हो रही परेशानी को दूर करने में अब बिहार सरकार लग गई है। इसको लेकर खुद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सारी जानकारी साझा की है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि नगर निगम के समूह ग के कर्मियों के तबादले में तकनीकी अड़चन आ गई है, जिसको जल्द ही दूर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री की माने तो लंबे समय से निगम में जमे कर्मियों के तबादले का निर्णय मेरे द्वारा ही लिया गया था। पिछले साल 30 जून को कुल 170 नगर निकाय कर्मियों का तबादला किया गया था, मगर फिर से वापस इसे ले लिया गया। दरअसल नगर निकाय कर्मियों को नगर निधि अथवा राज्य वित्त आयोग मद की राशि से वेतन और संवाद लाभ दिया जाता है। इसमें अलग अलग निकायों में विसंगतियां हैं। विभागीय स्तर पर भी अब विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही ठीक करके तबादला किया जाएगा। शराब तस्करी के आरोप में उत्पाद विभाग के 4 कर्मचारी हुए गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जिसको लागू करवाने की जिम्मेदारी बिहार के अधिकारियों की है, लेकिन जब अधिकारी ही शराब के मामले में संलिप्त पाए जाएं तो विभाग पर ही सवाल उठना लाजमी है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बिहार में शराबबंदी लागू कराने वाली मुख्य एजेंसी उत्पाद विभाग के बड़ा बाबू समेत 4 कर्मियों को नगर थाना क्षेत्र के नागा बीघा में किराए के मकान से अवैध रूप से शराब तस्करी के आरोप में बीते दिन पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, इनके पास से 12 बोतल विदेशी शराब भी जब्त किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर डीएम सौरभ जोरवाल के निर्देश पर सदर एसडीओ विजयंत और एसडीपीओ गौतम शरण ओमी की निगरानी में छापेमारी की गई, जिसके बाद ही विभाग के बड़ा बाबू भूपेंद्र चौधरी, जमादार विनोद प्रसाद, सिपाही अजय कुमार और सर्वजीत कुमार को पकड़ा गया। भाजपा को मिली शानदार जीत पर पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कही बड़ी बात। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को 4 राज्यों में शानदार जीत मिली, जिसके बाद ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में खुशी की लहर तो देखने को मिली ही, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने
बीते दिन पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, साथ ही कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब वोटर ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है और उसमें हिस्सा लिया है और भाजपा की जीत पक्की की है। मैं कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने दिन रात देखे बिना इस चुनाव में कड़ी मेहनत की और जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफलता हासिल की है। इन चुनावों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। बिहार में जल्द ही होगी 55 सीडीपीओ की बहाली। सीडीपीओ की रिक्तियों को भरने की कार्रवाई बिहार में शुरू होने वाली है, जिसकी जानकारी खुद समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में राज्य में 55 सीडीपीओ के पद खाली हैं, इनकी बहाली जल्द होगी। लोक सेवा आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मदन सहनी ने उक्त बातें भीष्म सहनी के तारांकित सवाल का जवाब देने के क्रम में कही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा है कि पद रिक्त रहने के कारण एक सीडीपीओ को अधिक जगह के प्रभार से रहना पड़ता है, लेकिन इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर कोई असर नहीं है। तेजस्वी के आगे झुके श्रवण कुमार। बिहार विधानसभा में बीते दिन श्रवण कुमार और तेजस्वी यादव की भिड़ंत देखने को मिली, जिसके बाद ही मनरेगा के आंकड़ों को लेकर उठे सवाल पर जहां तेजस्वी यादव हमलावर थे तो वहीं श्रवण कुमार ने भी उनको खूब लपेटे में लिया, जिसके बाद ही तेजस्वी सदन से गुस्से में बाहर चले गए और माफी मांगने तक नहीं आने की बात कह दी, जिसके बाद ही मंत्री जी भी अब नरम हो गए हैं। जिसके बाद ही उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में श्रवण कुमार ने सदन में कहा कि सरकार और नेता प्रतिपक्ष दोनों का आंकड़ा सही था, हमने जो कुछ कहा वो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं था। इसके बाद तेजस्वी यादव विधानसभा में और कहा कि मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा आंकड़ा सही था, वो जरा एक बार वेबसाइट के बारे में भी बता दें। उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी नहीं बचा सके अपनी जमानत। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार बिहार की ही सभी राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती देखी गई थी, जिसमें एक नाम मुकेश सहनी का भी था। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी को यूपी में करिश्मा होने पर इतना यकीन था कि उन्होंने राजनीति के चक्कर में बिहार में ही भाजपा से बैर ले लिया और बीते दिन जब परिणाम आए तो उसमें सहनी की जमानत भी बचाना मुश्किल हो गया था। गुरुवार को मतगणना में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के किसी भी उम्मीदवार ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया ही नहीं। यहां की भाजपा छोड़कर आए और बलिया के बैरिया से वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र सिंह भी खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। लालू के होली मनेगी जेल में या होंगे परिवार के संग, फैसला आएगा आज। रांची के डोरंडा कोषागार से करोड़ों रुपए के अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अभी जेल में हैं। फिलहाल वो जेल में रहेंगे या नहीं, इसका फैसला शुक्रवार को होगा। वो जेल से बाहर आ जाएंगे, इस पर आज झारखंड हाईकोर्ट में फैसला आने वाला है। इसको लेकर ही आज अदालत उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सबसे अधिक 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 14 फरवरी 2022 से ही रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में वो कैद है। यूपी में फिर से योगी सरकार के आते ही बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से जीत हासिल कर ली है, जिसकी खुशी बिहार में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिहार भाजपा में भी जश्न का माहौल बीते दिन इसी कड़ी में देखने को मिला, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत के साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस के बाहर जमकर ढोल नगाड़े बजाए तो दूसरी तरफ एक दूसरे को गुलाल भी लगाते देखे गए। पिंक बॉल टेस्ट के लिए बेंगलुरु पहुंची भारत और श्रीलंका की टीम। भारत और श्रीलंका की टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 12 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए गुरुवार को बेंगलुरु पहुंच गई है। भारतीय टीम ने बुधवार शाम को बेंगलुरु के लिए रवाना होने से पहले मोहाली में गुलाबी एसजी गेंद से अभ्यास किया था। पिंक बॉल टेस्ट से पहले रोहित के लिए अक्षर पटेल की टीम में वापसी खुशी की बात है, लेकिन भारत में दिन रात्रि क्रिकेट के इतिहास को ध्यान में रखते हुए अक्षर या मोहम्मद सिराज को खेलना मुश्किल काम है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने घर पर 2 पिंक बॉल टेस्ट मैच तेज गेंदबाजों के दम पर जीते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली सहित उत्तर भारत में मारकाट मचाने के बाद तैमूर लंग ने 1399 में सिंधु नदी पार की। सन 1881 में रामनाथ टैगोर की प्रतिमा कोलकाता के टाउन हॉल में स्थापित की गई। सुनीता ने 2007 में कोलकाता से बाघा तक के 2012 किलोमीटर के सफर को रिवर्स गियर में गाड़ी चलाकर पूरा किया। सन 2011 में तोहुको के नजदीकी भूकंप से जापान में सुनामी और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र हादसा हुआ। 1927 में रेमन मैगसेस पुरस्कार विजेता भारतीय महिला चिकित्सा वी शांता का जन्म हुआ। 1915 में क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे का जन्म हुआ। औरंगजेब ने 1689 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी की हत्या की। 1980 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का निधन हुआ। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, अवधेश राज, गौतम कुमार, शंकर मुखिया, कहकशा मझवी, जितेंद्र कुमार, गौतम सिंह, उदल कुमार, अनवर करीम खान,
चौहान, जितेंद्र ठाकुर, सिफोन कुमार, विकास कुमार सिंह, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पांच राज्यों में आए विधानसभा चुनाव परिणाम पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।